तो हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आशा करूंगी आप सभी लोग रिपब्लिक डे अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज है मेरे पापा जी की हॉलीडे, ये रखो और जाए। मैं हूँ यहाँ पे, अभी मैं प्रिंसी को नहला के आया हूँ और उसको घुमा के आया हूँ और अब मैं पकौड़े खाने की तैयारी में हूँ। जो कि क्या क्या बन रहा है आज पकौड़ों में? आज पकौड़ों में बन रहा है गोभी के और आलू के, मशरूम के और पालक के। और आज हम लोग देखने वाले पुष्पा मूवी, पर मेरे पापा जी ने जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन देख लिया। मैंने नहीं देखी, ना मेरी मम्मा ने देखी, तो हमको देखनी है। मम्मा तो वैसे ही नहीं देखती, मम्मा को तो मम्मा को ना शौक नहीं है, मेरे को शौक है बट, तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, वाले पकौड़े बन जाएंगे। और पुष्पा राजी वाली एक्टिंग करना जरा, देखिए पांडे जी की एक्टिंग। मैं झुकेगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बब्बा है। अब मिलिए मेरे ताऊ जी से। हेलो, हाय, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, 26 जनवरी मुबारक हो। आज हमारे घर में कुछ खास बन रहा है जो कि है पकौड़े। पकौड़े आज हम पकौड़े खाएंगे, फ्रीडम होके। बिल्कुल फ्री होके पकौड़े खाएंगे। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसकी हमें बहुत खुशी है। वेरी गुड, आप सब बच्चों को आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी तो 75 ईयर हो गए। 73 ईयर्स हो गए हैं। 73 73वां है। अच्छा, ओके गाइस बाय। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे बन रहा है हमारे लजीज टेस्टी पकोड़े, तो ये तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला पकोड़ा जो कि है आलू का फ्रेंड्स। तो और यहाँ पे हमारी बन रही है साथ में चाय विद पकोड़ा। कल जैसी बनाना, कल वाली में तो मजा ही आ गया था आपकी चाय। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना किस किस ने आज के दिन पकोड़े बनाए अपने घर पे, ठीक है? और जो पकोड़े बनाए वो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देख लीजिए आप लोग भी मस्त पकोड़े यहाँ पे मेरे स्वयं के हाथों के बनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी को खाने तो पूरे कर देंगे आप। देखिए कितने फूले फूले एकदम मोटापे वाले पकौड़े बन रहे मेरे मम्मा की तरह, मोटी मम्मा की तरह। देखो हनी की मम्मा मोटी है तो मोटे पकोड़े भी पकोड़े भी मोटे ही बनाती है मम्मा, है ना नी? देखिए जगह छोटा क्या लग रहा है यार, मोमोज लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स लाजवाब, वैसे मेरे फ्रेंड्स हर काम मेरा लाजवाब ही होता है। वैसे फ्रेंड्स मेरा हर काम लाजवाब होता है क्योंकि मैं हूँ हनी की मम्मी और पांडे जी की धर्म पत्नी। धर्म में क्या क्या होता है? धर्म होता है क्या? धर्म की पत्नी, धर्म पत्नी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जब हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे सारे के सारे। दगले बाय बाय। यहाँ पे बना रहे हैं फिर आज पकोड़े। ये देखो आलू के पकोड़े बन गए हैं, ये इसमें कुछ गोभी के हैं, ये मशरूम और ये पालक के। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने मोटे मोटे बने हैं मेरे स्वयं के हाथों से। आप हटिए अब छोड़िए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई करिएगा। और हमारे यहाँ पे बन रही है चाय। और आप यहाँ तक आते हैं हमारे चैनल तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे को बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ हमारे को फ्रेंड्स, हमारे को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो हमारे अभी पकौड़े यहाँ पे हो चुके हैं रेडी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे चटनी और ये है चाय, चाय के साथ पकौड़े। इसको मैं खाएगा, पूरा खाएगा, मैं इसको पूरा आज खाएगा। ये मेरा प्रिंसी देख रहा है, प्रिंसी भी खाएगा आज। फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी मम्मा और आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। आप पूछोगे क्या ट्रेजेडी हुई है, जो तो बता देते हैं। जो कि है ये हनी जी का हेयर बैंड, ये देखो, मतलब इसका सत्यानाश मार दिया हमारी बदतमीज प्रिंसी ने। ये देखो मैं इसकी वजह से, आपको पता ही होगा मैं से इसके साथ पंगे लेती हूँ, मस्ती करती हूँ यार। तो ये क्या तो करती है, गुस्से में प्रिंसी हनी नहीं नहीं, नहीं मेरा हेयरबैंड ऐसे बेड पे रखा हुआ था तो मैं इसको पहनने आती, जैसे मैं पहनने गई ऐसी प्रिंसी ने इसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रोकन हो चुका है पूरा, देखो ये। अब तो मेरी मम्मा जोड़ने क्या करें, और ऐसे ऐसे कुछ काम तो आने वाला है नहीं। मैं इसको पेस्ट कर दूंगी ना होटलगंज से। सो फ्रेंड्स आज हमारे घर में क्या बन रहा है,
आज बन रहा है फ्रेंड्स हमारे घर में चिल्ली पटेटो। ओ वाओ, बताना आपको चिल्ली पटेटो कैसे लगते हैं। और जिसको फ्रेंड्स आप कमी कर रहे हैं किस चीज में, कमेंट्स में, लाइक में, शेयर में, सब्सक्राइब में, तो प्लीज आप लोग अच्छा रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, देख लेते हैं पूरी वीडियो को बट कमेंट नो कमेंट। आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो भी पूरी देखें, स्किप करके ना देखें वीडियो को भी, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। हाँ, और आज की वीडियो किसने देखी हमारा अगर ब्लॉग 27 देखा तो अगर पसंद आया तो उसको भी लाइक करना और इधर भी लाइक कर देना 28 वाले को भी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो मिलेंगे है उसके आज पैर में भी लग गई है, मतलब आज हाँ, इससे ना इस हेयरबैंड से इसमें, क्योंकि ना क्या है ये तीत टाइप के है इसके हेयरबैंड के, तो तीत टाइप के नहीं हाँ ये तीती तो होते हैं इनके। तो प्रिंसी के थोड़ा पीछे से वहाँ पे हॉल हो चुका है, जो उसका लैग होता है ना, मतलब इतना हैवी टाइप से होता है तो लैग, वो उसका थोड़ा वहाँ पे ब्लड आ रहा है। अब ये सो रही है, बिल्कुल रेस्ट कर रही है और वो हमको देख रही है हम क्या कर रहे हैं। तो आपको भी मिलवाई देते हैं हमारी पागल लड़की प्रिंसी से, हम तो उसको पागल बुलाते हैं प्रिंसी को। हमारी प्रिंसी बहन जी जिसने हमारा ये तोड़ दिया है हेयर बैंड। प्रिंसी मैं जरा पिटाई कर दूंगी। और फ्रेंड्स ये मूंगफली भी खाती है आपको पता हो तो, और वो भी छिलके उतरी वाली। प्रिंसी मुझे टच करने नहीं दे रही है, ये काट भी देती है। देखो गाइस यहाँ पे इसके लग चुकी है, मैं फुल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इसके पेन भी हो रहा होगा गाइस काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं उठा के दिखा रही हूँ बस। और हमारी प्रिंसी बहन जी के लग चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। और पापा जी हमारे क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं हमें, वो आई थिंक पुष्पा मूवी देख रहे हैं क्योंकि हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, हम देख नहीं पाते उसको कंप्लीट, वो कुछ ढूंढ रहे हैं। पापा जी व्हाट आर यू फाइंडिंग, क्या ढूंढ रहे हैं आप पापा जी? और गाइस आपको पता नहीं होगा कि मैं अपने पापा जी को बुलाती हूँ पापुड़ी और अपनी मम्मा को बुलाती हूँ मामूड़ी। और देखो प्रिंसी बिल्कुल टेंशन में आके सो चुकी है, टेंशन फ्री। तो आइए फ्रेंड्स पांडे जी हमारे, देखो पांडे जी तो अम्मा एक बार जरा कैमरा दिखाइए मैं कैसे सुलाती हूँ अपनी प्रिंसी जी को। सो फ्रेंड्स अभी आप गौर से देखिएगा मैं इसको कैसे सुलाती हूँ। अब देखना अब मैं इसको यहाँ पे पूरा कवर कर रही हूँ इसको, ये अभी गाइस देखिए यहाँ पे कवर हो जाती है पूरी। अरे गाइस पता है कि इतनी ज्यादा पागलपंतियां करती है कि जब हम इसको ब्लैंकेट के अंदर सुलाना चाहते होते हैं तो ये क्या करती है उसके बाहर सुलाती है। और हमारे अगर उसको ब्लैंकेट चाहिए होता है तो हमारे लिए स्पेस नहीं हो पाती, मतलब उसको खींच नहीं पाती, हैवी हो जाता है ना, उठ नहीं पाते हैं तो उठ भी नहीं पाता है। और हमारी मैडम जी बन चुकी हैं यहाँ पे दादी अम्मा जी, लिटिल बेबी नहीं, नहीं लिटिल बेबी नहीं है ये हमारी आंटी जी हैं। देखो प्रिंसी आंटी, प्रिंसी आंटी जी प्रिंसी को सिर्फ नींद है। तो फ्रेंड्स मिल लेते अपने पापा जी से। पापा जी आइए आइए फ्रेंड्स तो मिल लेते हैं पापा जी से। मूवी देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं पुष्पा, क्योंकि हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो मैं झुकेगा नहीं, मैं आज इसको खत्म करके रहेगा। मैं एक बार पहले भी देख चुका है, अब फिर देख रहा मैं इसको, क्योंकि पहले कैम में देख रहा था, अब एचडी में देख रहा मैं। ओके चलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ, जो कि बनाना है हमने। लाइट जला के मेरी आंखों को कोई दोबारा कर दिया। तो फ्रेंड्स पीजर लाइट लाते ताकि जरा बैकग्राउंड सही दिखे, बैकग्राउंड सही दिखे कह रही हूं ताकि लाइट बस 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 बात मत करने दो तुम, पिक्चर में लग जाओ। चलिए फ्रेंड्स मैं तो चलती हूं किचन की तरफ और हनी पांडे करेंगी पढ़ाई और मैं बनाती हूं लोगों के लिए चिली पोटैटोस, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे हमारे बन रहे हैं चिली पोटैटो, तो इसका शोर बहुत है तो मैं इसलिए लाउडली बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे चिली पोटैटो बन के तैयार है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे डालूँगी इसमें ऊपर से तिल, वाइट तिल, जो कि बहुत ही लाजवाब लगते हैं इसमें। और वो जो इसका फेस लगता है ना देखने में, मतलब ये देखिए बहुत टेस्ट लगता है। आप प्लीज और बताना ज़रूर किसको चिल्ली पोटैटो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जिसको अच्छे लगते हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो
चलिए फ्रेंड्स बंद कर देते हैं, ये बन चुका है, पूरा रेडी हो चुका है। और ये मेरा देखिए कितना गंदा हो गया है बनाते बनाते, देखिए कितना गंदा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, धुल जाएगा ये तो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर। टेक फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या आलू का पराठा, साइकिल वाला, साइकिल की गद्दी वाला पराठा। देखिए फ्रेंड्स, इकलौते पति के लिए करना पड़ता है ना, इकलौता पति है मेरे पास, पति तो इकलौता होता है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लौता है। चार मीनार हो गया है। चलो भाई मिलते हुए थोड़े देर के बाद, सर्विस मांग रही है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुके हैं हमारे चिल्ली पोटैटो रेडी। और जिसको चिल्ली पोटैटो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसकी फेवरेट है चिल्ली पोटैटो, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आप लोग भी खा लीजिए, और मेरी मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मेरे को, तो खा लेते हैं। सो गाइस आप लोग भी खा लीजिए, और गाइस मैं भी खा लेती हूँ। हेलो मेरी फैमिली, आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और जिसको चिल्ली पोटैटो पसंद है वो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।